प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। ब्रेकिंग न्यूज में हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में और यूपीएसआई के एक्सपेक्टेड एग्जाम की डेट के बारे में। ये दो बड़ी जानकारियां आपके लिए लेकर के हम उपस्थित हैं और हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आप पूरा देखेंगे और इसकी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं यहां पे कि आपके दो बड़ी चीज़ें, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी आने वाली है 51,500 कुछ पदों के, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और यूपीएसआई के एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट होगी इस पे चर्चा करने वाले, दो बड़ी चीजों पे चर्चा करने वाले। उसके पहले हम बता दें कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर के आए हैं जिसका नाम है विजय श्री नाम से है। राष्ट्रीय व्यक्तित्व की पहली सीरीज हुई थी और दूसरी सीरीज अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व और यह सीरीज लगातार आगे बढ़ रही, तो आप इसका हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब चलिए मैं न्यूज के बारे में बता देता हूं। न्यूज यह है कि यूपीएसआई की जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है उसके बारे में और यूपी पुलिस के आने वाली भर्ती के बारे में। यह न्यूज आपके प्रामाणिकता की जांच नहीं की गई है, इसलिए नहीं की गई है कि इसमें आयोग की कोई नोटिस नहीं है। अलग अलग ब्लॉगर की साइट से, आप जानते हैं ब्लॉगर उन्हें कहते हैं जो क्रोम पे या जो सोशल मीडिया साइट होते हैं उस पर कुछ ब्लॉग लिखते हैं, आप जानते होंगे ब्लॉगर के बारे में। तो ब्लॉगर जो होते हैं उनके साइट से उठाया गया, चूंकि ब्लॉगर की चीज़ों को अगर हम कॉपी करें तो उस पर कॉपी राइट आ जाता है, वो सब अपने पे कॉपी राइट लगा रहते हैं, इसलिए मैं उनकी ब्लॉगर को यहाँ पर लगाना उचित नहीं समझा। तो उनके नोटिस के हिसाब से, पांच अलग अलग ब्लॉगर की नोटिस के हिसाब से ये डेट पता चल रही है जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। हालांकि मुझे भी इस बात पे बहुत ज़्यादा यकीन और विश्वास नहीं है और ना ही कोई ऑफिशियल साइट है। जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ ऑफिशियल न्यूज नहीं है, ब्लॉगर की न्यूज है। इसके सत्य कितने परसेंट है इस बात पे मुझे भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताऊँ यूपीएसआई की जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है नवंबर में। अब देखिए इसमें इन्होंने जो लिखा है, अलग अलग तीन या चार ब्लॉगर थे जिन्होंने अलग अलग अपने सब में एक ही बात लिखी गई है कि एज का मामला अभी कोर्ट में है जिसपे कोई भी नोटिस नहीं आएगी। जो लिखा गया मैं वो बता रहा हूँ, एज का मामला अभी कोर्ट में है जिसपे अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। जिस बात के फाइनल फैसला होने के बाद अभ्यर्थियों को लगभग 60 दिन का मौका दिया जाएगा परीक्षा की तैयारी करने के लिए। अगर उम्र में 1 या 2 साल की छूट दी जाती है तो फिर नए फॉर्म डालने के लिए भी वक्त दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी जिसकी वजह से माना जा रहा है कि आपकी परीक्षा की तिथि नवंबर में हो सकती है। यह आपके पुलिस प्रोन्नत भर्ती बोर्ड की तरफ से यह नोटिस जल्द ही आपको जारी कर दी जाएगी। ब्लॉगर फला फला फला, ठीक है, ये ब्लॉगर के द्वारा लिखी गई नोटिस है। अब इसे आप चाहे सत्य माने या असत्य माने, मैं भी इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता। कहा यह जा रहा है कि एज वाला जो मैटर है ये हाई कोर्ट में, ये बात तो सत्य है, आपने दैनिक अखबारों में भी पढ़ा होगा कि हाँ एज का मैटर अभी भी कोर्ट में चल रहा है। लोगों की मांग है भर्ती बहुत दिनों से नहीं कराई गई जिसकी वजह से हमें कम से कम 2 साल की छूट दी जाए। छूट का मामला आ भी गया लेकिन लोगों की और मांग है हमें 1 साल का और 2 साल का और छूट दिया जाए। देखिए अभी इस पे मैटर फाइनल नहीं हो पाया, ये भी बात सत्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बड़ी भर्ती आने वाली है लेकिन उसका भी मामला अभी क्लियर नहीं हो पाया है क्योंकि हाई कोर्ट अभी खुल नहीं रही है। तो ये मामला तो एकदम सटीक है जो बात यहाँ पर लिखी गई, और इसके हिसाब से ये भी सत्य लग रहा है कि अगर 1 महीने का मौका दिया जाता है या 15 दिन फॉर्म डालने का मौका दिया जाता है तो आपका पेपर नवंबर से पहले होने की संभावना नहीं है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप अपनी तैयारी को उसी धार से चलते रहिए, स्लो मत करिए, जितना तेज अपनी तैयारी कर रहे थे उतनी तेज करिए। चाहे आपका पेपर सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर, जैसे आपको अभी तक ये बताया गया था कि आपका पेपर सितंबर में हो सकता है, लेकिन इस ब्लॉगर की साइट से मुझे जो जानकारी मिली उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ पेपर आपका नवंबर में हो सकता है। तो मैं आपसे कहूँगा अपनी तैयारी को कम ना होने दें, तैयारी के लिए समय मिल रहा है तो आप अपनी तैयारी को और दबा करके करें ताकि आपको सफलता आपकी सुनिश्चित हो सके। आगे बढ़े, दूसरी जो बड़ी न्यूज है वो है यूपी पुलिस को लेकर के, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ब्लॉगर की साइट पर, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि 51,526 पद की भर्ती आपकी बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। इनके दावे के हिसाब से सितंबर महीने में यह भर्ती आपकी जारी कर दी जाएगी, ठीक है। इनका कहना में है 15 अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। हालांकि इस पे अभी भी इन्होंने नीचे लिखा है कि इस पे आप सरकारी साइट पे विजिट करते रहिए, upp.nic.in जो भी इन्होंने साइट का नाम डाला है, तो कह रहे हैं कि उस पे आप विजिट करते रहिए जिससे आपको कोई भी बड़ी जानकारी आयोग की तरफ से जब निकलेगी तो वो आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है 15 अगस्त के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ऐसा कई दिन दैनिक अखबारों में भी निकला था। तो ये बात तो सत्य लग रही है, दोनों बातें मुझे सत्य लगी, इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में इससे मैसिव चेंज आएंगे कि आप अपनी तैयारी को और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे और अपने साथ भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखेंगे जिससे आप पुलिस का फॉर्म भर सकें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, तब तक ले इजाजत दीजिए। जय हिंद।